राजधानी भोपाल के रहने वाले डॉक्टर बशीर बद्र को उर्दू का वो शायर माना जाता है जिसने कामयाबी की बुलंदियों को फतह कर बहुत लंबी दूरी तक लोगों के दिलों की धड़कनों को अपनी शायरी में उतारा है। लेकिन दुनिया भर में उर्दू शायरी को नया लहजा देने वाले शायर पद्मश्री डॉक्टर बशीर बद्र इन दिनों किसी को नहीं पहचानते, ना ही उन्हें कुछ याद है। बस उन्हें लगता है कि वो किसी मुशायरे में जा रहे हैं। उर्दू अकादमी के निदेशक पद पर रहते हुए साल 2012 में उन्हें भूलने की बीमारी का एहसास हुआ था। डॉक्टर को दिखाया तो डिमनेशिया के लक्षण आ चुके थे, तभी से इलाज चल रहा है। राज्यसभा सांसद और राजकृष्णा फाउंडेशन के चेयरमैन विवेक तनखा द्वारा डॉक्टर बशीर बद्र के सम्मान में यादें एक शाम गजल के नाम का आयोजन किया गया, जिसमें लोकप्रिय गजल गायक तलत अजीज और प्रतिभा सिंह बघेल ने गजल की प्रस्तुति दी। इस दौरान डॉक्टर बशीर बद्र की यादों को ताजा किया गया। इस मौके पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और अधिकारियों सहित गणमान्य नागरिक मौजूद थे। अभी कुछ दिन पहले तलत भाई हम नरसिंहपुर में थे, तो तलत भाई ने बातों बातों में मुझे बोला कि हमारी बहुत यादें हैं, बशीर साहब के साथ जुड़ी हैं, हमारे वो आइकॉन हैं। और उन्होंने यहाँ तक बोला कि जगजीत जी और वो खुद इटर्नली ग्रेटफुल हैं कि उनकी जितने बहुत अच्छे अच्छे जो नज़में हैं वो बशीर साहब की लिखी हुई है, और कहने लगे उनको अल्जाइमर है, डिमेंशिया है शायद, वो सब सच, और उनको लोग रिकग्नाइज भी नहीं कर पाते। मैं उनके ऑनर में कुछ करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा आप क्या करना चाहते हैं? कहते कैन वी डू अ कॉन्सर्ट फॉर हिम? आई सेड ऑफ कोर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। ही सेज कैन यू डू समथिंग, आई शैल गेट इट अरेंज। तो हमने गोयनका साहब को रिक्वेस्ट की और आज वो कॉन्सर्ट हो रहा है बशीर साहब के ऑनर में। हम लोग की कोशिश करेंगे एक छोटा सा उनको एक पर्स भी प्रेजेंट करेंगे, और मेडिकल जो केयर है उसके लिए भी हम लोग उनकी देखभाल के लिए भी बात करेंगे। वो तो अल्लाह साहब वगैरह बात बताएंगे, बट प्रतिभा भी आई है और प्रतिभा रीवा की है, शी इज आल्सो अ टैलेंट ऑफ रीवा जो इस वक्त मुंबई में रही है। और प्रतिभा जी भी आई है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज इस यादों में कि इस बहाने एक शाम हो रही है जो शायरों के नाम है और बशीर साहब के नाम पे है, और बशीर साहब के एक प्रार से वी आर ऑनरिंग हिम।